2019 के चुनाव में एक आवाज जो अब तक खामोश थी उसने भी दस्तक दे दी है। ये आवाज है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर ही थे जिन्होंने 2014 में मोदी को चाय वाला कहा था और 2017 में नीच किस्म का आदमी कहा था। एक बार फिर करीब 2.5 साल पुराने नीच आदमी वाले बयान को सही ठहराया है। दरअसल उन्होंने अपने एक लेख में अपने उस बयान का जिक्र किया जो उन्होंने 2017 में दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए बहुत नीच किस्म का आदमी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था। इस बयान पर उनकी काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद मणिशंकर ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन अब उसके राइजिंग कश्मीर अखबार में एक लेख से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह पूर्व में दिए हुए अपने बयान से पूरी तरह से सहमत है। अपने लेख में उन्होंने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे? 23 मई को देश की जनता उनको सत्ता से बाहर कर देगी। क्या आपको याद है कि मैंने 7 दिसंबर 2017 को क्या कहा था? क्या मेरी भविष्यवाणी सही नहीं थी? अय्यर के बयान पर फिर से सियासी तूफान शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस को इस पर सफाई देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वहीं अब मणिशंकर ने अपने बयान को सही ठहराने पर सफाई दी है। मणिशंकर ने मीडिया पर ही तोहमत लगाई और कहा कि वे मीडिया के शिकार हो रहे हैं और इससे उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। मणिशंकर अय्यर ने तंज कसते हुए कहा, मैं उल्लू हूँ लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान के फायदे का अंदाजा बीजेपी को पहले से है। अय्यर ने गुजरात विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच आदमी शब्द का प्रयोग किया था। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज।